एक्शन का जवाब नहीं, एक्शन तो बड़ा खतरनाक था। दां 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 तेरी माँ दां एकदम बकवास, चलेगी नहीं पिक्चर। तो ट्रेलर देखा था उससे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी इस फिल्म की, क्योंकि विशाल भरद्वाज जी का भी नाम जुड़ा हुआ है इस फिल्म में, उनके बेटे की ये फिल्म है, तो लग रहा था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है, पर जितना हाई ट्रेलर ने बनाया था फिल्म उतनी ही वीक है, उतनी ही डिसअपॉइंटिंग है। बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया। आई थिंक जहाँ पे टब्बू, विशाल भारद्वाज, कोंकणा सेन शर्मा, गुलजार ये सब मिल जाए तो मतलब एक करिश्मा होना ही है, तो वो करिश्मा हो गया। मुझे लगता है कि मूवी निश ऑडियंस के लिए है, एक तो एडल्ट्स है और इसमें काफ़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज, डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की है, बट वो दिखाया है कि जैसे करप्ट लोग इतना मतलब मार धार करते हैं, इतने लोगों का कत्ल करते हैं, बट इन दी एंड उसका नतीजा अच्छा नहीं होता, तो वही दिखाया गया और बहुत मज़ा आया देख के। सबसे ज़्यादा किसका काम अच्छा लगा बताना चाहोगे? अर्जुन कपूर, ओ माई गॉड, अर्जुन कपूर से हमें प्यार हो गया, इतना बढ़िया रोल किया पहले एक विलन रिटर्न्स में, लोग उनको कितना भी ट्रोल करें आई थिंक ही इज़ अनडेटेड बाई क्रिटिसिज्म, और वो उनका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो अर्जुन कपूर का मुझे रोल बहुत अच्छा लगा। टब्बू, ओ माई गॉड, आई थिंक टब्बू, देखिए उन्होंने विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज ने मूवी डायरेक्ट किया, इससे पहले विशाल भारद्वाज ने कमीने, ओमकारा, मकबूल जैसी मूवीज़ बनाई है, और जैसे मैंने कहा कि जहाँ टब्बू, विशाल भारद्वाज, गुलजार ये सब एक साथ आ जाएँ, कोंकणा सेन शर्मा का रोल और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, वो सेकेंड हाफ में टूवर्स दी एंड आई हैं, बट जितने भी किरदार हैं, राधिका मदन जी भी हैं और नसरुद्दीन शाह, और उनका भी छोटा ही रोल था, फिर एक शार्दुल एक्टर हैं, तो सबके रोल मुझे इतने बढ़िया लगे, लेकिन अर्जुन कपूर तो छा गए बिल्कुल, मतलब इतना रथलेस कैरेक्टर, वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, टब्बू भी एक पुलिस ऑफिसर है, और दिखाया कि कैसे करप्शन, यू नो, तो बहुत बड़ा मज़ा आया मूवी देख के। नसीर साहब तो एक दो सीन के अंदर ही हैं, लेकिन जो भी हैं धुरंधर एक्टर हैं, जो भी उन्होंने काम किया बढ़िया किया एक दो सीन के अंदर। हाँ वो जो सब ये मंजे हुए एक्टर हैं, स्टेज के कलाकार हैं, सबने बढ़िया काम किया, जिसको जब डायरेक्टर ने काम दिया ना उन्होंने वैसा ही काम किया। मूवी का कोई ऐसा पार्ट हो, ऐसा सीन हो जो आपको बहुत पसंद आया? सारे पार्ट बढ़िया उसके अंदर, तो फिल्म के अंदर धां 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 और गाली गलौज यही है फिल्म के अंदर, एक करप्ट मतलब करप्शन के ऊपर दिखाई गई पिक्चर ये, कि दुनिया करप्शन कर रही है, पैसे के ऊपर लड़ रही है, मर रही है, एक दूसरे को मार रही है। वो एक आइटम सॉन्ग थे बस, वो ठीक है आज के माहौल के हिसाब से। एक्शन का जवाब नहीं, एक्शन तो बड़ा खतरनाक था। दां 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 तेरी माँ दां, ये था बढ़िया बढ़िया। विशाल भारत वो है ना, विशाल भारद्वाज उनके भतीजे की पिक्चर है ना ये, तो बढ़िया काम होगा, बढ़िया पिक्चर होगी। ओके भाई, एकदम बकवास, चलेगी नहीं पिक्चर, कि जब भी जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं उसको वेस्ट किया गया है, उससे काम अच्छा नहीं लिया, डायरेक्टर स्टोरी कुछ दम ही नहीं है, वीक, एकदम वीक है, और पूरा पिक्चर में गालियां बोलते हैं और गोलियां चलती है बिना वजह, कोई स्टोरी में कुछ है ही नहीं, जैसा शोले पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, और वो इसी टाइप की थी लेकिन अच्छी चली थी ना वो, उसमें कुछ दम था पिक्चर में, इसमें दम पिक्चर में स्टोरी में, इसके लिए लोग आते नहीं ना पिक्चर थिएटर में, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि साउथ की पिक्चर क्यों चलती है, उसमें कुछ अच्छा कुछ रहेगा उसमें कुछ, इसमें कुछ है ही नहीं, इतना पैसा वेस्ट गया हमारा, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें अर्जुन कपूर है, राधिका, हाँ अर्जुन कपूर इतना अच्छा है, अर्जुन कपूर है और तब्बू है, नसीरुद्दीन शाह है, काम अच्छा लगा, काम अच्छा ही नहीं लगा, सब वेस्टेड है। अच्छी है कुत्ते, क्या पसंद आया? ओवरऑल स्ट्रक्चर पसंद आया, शॉर्ट है, क्रिस्प है, अच्छा लगा। अर्जुन कपूर है, राधिका मंदान है, जब्बू है, नसीरुद्दीन शाह है, क्या कुछ कहना चाहो, किसका काम अच्छा लगा? सभी का काम अच्छा है, सभी का काम वैसे देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा ही है। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? कुत्ते। कैसी लगी कुत्ते? बहुत वीक, बहुत डिसअपॉइंटिंग। जी, कि इसमें अर्जुन कपूर है, राधिका मंदान है, तब्बू है, नसीरुद्दीन शाह है, किसका काम अच्छा लगा? किसी का नहीं, काम जो है जितने भी एक्टर्स हैं इस फिल्म में सबका नाम बहुत है, और तब्बू हो गई, नसीरुद्दीन शाह जी जो हैं, और कुमुद मिश्रा जी हैं, और बाकी जितने भी कैरेक्टर एक्टर्स हैं वो सब अपने आप में इतने जाने माने लोग हैं, और जो ट्रेलर देखा था उससे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी इस फिल्म की, क्योंकि विशाल भरद्वाज जी का भी नाम जुड़ा हुआ है इस फिल्म में, उनके बेटे की ये फिल्म है, तो लग रहा था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है, पर जितना हाई ट्रेलर ने बनाया था फिल्म उतनी ही वीक है, उतनी ही डिसअपॉइंटिंग है। सॉन्ग्स कैसे थे? सॉन्ग्स तो कोई याद ही नहीं है, क्योंकि सॉन्ग्स
के जो मायने हैं इस फिल्म में वो कब आते हैं, कब उनका सॉन्ग्स कब आते हैं, कब चले आते हैं, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। और सॉन्ग्स के बारे में स्पेशली हम देखना चाहेंगे कि ये विशाल भारद्वाज जी की एक बहुत गहरी छाप दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम टिपिकल देखते हैं विशाल भारद्वाज जी की फिल्मों में कि कोई एक सीन चल रहा होता है, वो भले ही एक्शन हो या तो फिर कोई रोमांटिक सीन हो, उसको स्लो मोशन के साथ में पीछे से एक गाना सटल तरीके से चल रहा होता है और जो उस सीन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ पर भी एक बहुत मेजर यूज़ हुआ है उस टेक्निक का, बट बहुत ही वीक गाने हैं और जो लिरिक्स है वो काफ़ी वीक है, म्यूज़िक काफ़ी वीक है, तो इस चक्कर में वो जो है वो उस फिल्म को आगे नहीं लेके जा पाता।